डिमांड के बाद मैंने फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि आखिर टॉप एनआईटी कॉलेज में किस मार्क्स पे सीएससी आपको मिल पाएगा, किस रैंक तक आपको सीएससी मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अगर रैंक कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको रैंक अभी नहीं बताया जाएगा। आपको रैंक कब बताया जाएगा? जब आपका सेशन टू का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका रैंक पता चलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में जिस अटेम्प्ट में आपकी परसेंटाइल ज्यादा होगी, उसी आपको उसी अनुसार से आपकी रैंकिंग भी दिया जाएगा। अब बात यह आता है कि सर अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो अभी परसेंटाइल बनी है उस परसेंटाइल पे मुझे रैंक बता दो, ताकि मुझे रैंक पता चल जाए तो मैं पिछले साल का डेटा देखते हुए यह पता कर पाऊंगा कि मुझे कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल आपका कहना भी सही है और इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आया हूं। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। और हां बच्चों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझे इस चैनल पे आप देख पा रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते हैं और आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको परेशानी से हमेशा हम दूर करते रहेंगे। आखिर सर रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा फटाफट से बताइए। बच्चों देखो, रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रैंक कैलकुलेट करेंगे, आपको यह ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 2024 में अपियर हुए थे, 100 माइनस परसेंटाइल जो आपकी परसेंटाइल हुई होगी, 100 माइनस परसेंटाइल डिवाइडेड बाई 100, आप इसी फॉर्मूले का यूज करके जो है आप क्या निकाल सकते हैं, अपना रैंक निकाल सकते हैं। और आपको भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार जनवरी अटेम्प्ट में कितने अपियर हुए थे, बैठे थे, तो आपको लगभग 11 लाख के आसपास जो है बच्चे इस बार अपियर हुए थे। तो ये बच्चा आपको ये बता देगा कि आपको किस परसेंटाइल पे आपको रैंक मिलने वाला है। चलो सर, मेरे को रैंक भी पता चल गई, मेरे को सब कुछ पता चल गया, अब सर मुझे ये बताओ कि मेरी रैंकिंग पे, जो भी मेरी रैंकिंग बन रही है उस पे एनआईटी कॉलेज में मुझे क्या सीएससी ब्रांच मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ सर, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मैं ओबीसी से हूं, मैं ईडब्ल्यूएस से हूं, मैं एससी से हूं, मैं एसटी से हूं या फिर पीडब्ल्यूडी से हूं, तो सर पूरी जानकारी सर प्रॉपर दे दो सर। तो बच्चों देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर रैंक वर्सेस कॉलेज, आप अगर ओपन कैटेगरी से हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो एनआईटी त्रिची, आप यहां पे देखोगे एनआईटी त्रिची में आपको जो है ओपन कैटेगरी के लिए 1500 रैंक तक आपको मिलेगा, ओबीसी के लिए 429 रैंक तक मिलेगा, वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 241 रैंक तक मिलेगा, और एससी के लिए 268 रैंक तक मिलेगा, और एसटी के लिए आपको 51 रैंक तक आपको मिलेगा। वहीं पे अगर आप एनआईटी सूरतकल की बात करें, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं बच्चों, सीएससी जिस कॉलेज में मिलने वाला है उसकी बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनआईटी सूरतकल जो है 1984 रैंक तक आपको मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 666 तक सूरतकल में मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 295, एससी के लिए 434 और एसटी के लिए आपका 70 रैंक तक आपको मिलेगा। वहीं पे अगर आप देखोगे कि आपका एनआईटी वारंगल जो है आपका वो 2413 रैंक तक मिलेगा, उसके बाद ओबीसी आपका 792 तक आपको मिलेगा, ईडब्ल्यूएस आपका 348 रैंक तक आपको मिलेगा, एससी आपका जो है 484 तक मिलेगा बच्चों, वहीं पे एसटी आपका 174 रैंक तक मिलेगा, एनआईटी राउरकेला जो है 3788 रैंक तक मिलेगा बच्चों, वहीं पे आपको ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 1244 आपको मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस है तो 518 तक आपको मिलेगा, एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 549 तक मिलेगा, एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 178 रैंक तक आपको मिलने जा रहा है। वहीं पे एमएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, बीएनआईटी नागपुर, वहीं पे एनआईटी कुरुक्षेत्र, एसबीएनआईटी सूरत, एनआईटी जमशेदपुर, एमएनआईटी भोपाल, फिर
एनआईटी दिल्ली, इन सारे कॉलेज का आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप एक काम और करेंगे बच्चों, सबसे पहले कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल एमसीएम पटना को ज्वाइन कर लेंगे। एमसीएम पटना मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये जो पीडीएफ मैं आपको बना रहा हूँ, आपको ये जो बता रहा हूँ, वो सारी पीडीएफ मैं वहां पर शेयर करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों। इसीलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि देखिए, ये कॉलेजेस तो हो गए भाई, ये सारे कॉलेज में आपको इतने रैंक तक आपको जो है मिलने जा रहा है। कुछ बच्चों का दिल्ली का भी सवाल था कि सर एनआईटी दिल्ली कितने पे सीएससी मिलेगा, तो देखो बच्चा 9933 पे ओपन कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 3668 रैंक तक है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1543 तक है बच्चों। आगे बढ़ो, अगर ध्यान से आप देखोगे तो अब आ जाइए एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जलंधर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी गोवा, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी पटना, एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी पुद्दुचेरी, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी मेघालय, फिर एनआईटी अगरतला, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश और एनआईटी मणिपुर। तो इन सारे की कैटेगरी आप कैटेगरी वाइज आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर एनआईटी दुर्गापुर जाइए तो 10,000 प्लस आपको रैंक चाहिए होगा ओपन कैटेगरी के लिए, 11,000 एनआईटी जलंधर के लिए ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वहीं पे हमीरपुर के लिए भाई 12,426 चाहिए होगा, फिर आपको एनआईटी गोवा के लिए 12,600 चाहिए, एनआईटी रायपुर के लिए 12,000 प्लस रैंक चाहिए, वहीं पे सिलचर के लिए 12,818 रैंक चाहिए, एनआईटी पटना 13,000 रैंक तक मिल जाएगा भाई, 13,000 रैंक से आगे तक के आपको मिल जाएंगे, एनआईटी आंध्र प्रदेश आपको 17,000 तक आपको मिल जाएगा। तो बच्चों आप एक चीज बता रहे हैं, आपको एक बात बहुत अहम बताना चाह रहे हैं हम कि क्या सर, तो देखो अगर आपको एनआईटी कॉलेज चाहिए, एनआईटी कॉलेज अगर आपको चाहिए और एनआईटी कॉलेज में आपको अगर सीएससी ब्रांच चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से एनआईटी में मिलेगा, लेकिन आप एक चीज को देखो, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, उसके बाद ओबीसी से हो, या फिर अगर इधर देखो ईडब्ल्यूएस से हो, या फिर एससी से हो, या एसटी से हो, तो आप यहाँ पे एक चीज बच्चों देखोगे कि ओपन कैटेगरी से 29,643, मतलब अप्रॉक्स अगर मैं देखूं तो 13,000 तक आपको जो है सीएससी ब्रांच मिलने जा रहा है, मतलब खुद को यहां तक आप सेफ मान सकते हो। क्या मान सकते हो बच्चों? स्टेप खुद को रख सकते हो। अब वहीं पे अगर ओबीसी की बात किया जाए बच्चों, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 9,876, मैं अप्रॉक्स अगर मैं इतना ले लूं कि 10,000 तक आप खुद को सेफ मान सकते हो, 10,000 तक अगर ओबीसी में आपका रैंक है तो आपको एनआईटी कॉलेज में सीएससी मिलने जा रहा है। किस कॉलेज में मिलेगा वो आप प्रॉपर देख सकते हो। वहीं पे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 4,857, तो यहां पे ईडब्ल्यूएस 5,000 तक के बच्चे के लिए सेफ माना जाएगा कि वहां तक आपको एनआईटी कॉलेज में सीएससी ब्रांच मिल सकता है। वहीं पे अगर एससी एसटी की बात किया जाए बच्चों, तो एससी एसटी की अगर आप देखोगे तो 4,000 और 1,900, यानी कि यहां पे आपको 4K और यहां पे आपको 2K, अगर आप इस रैंक तक आप अगर खुद को यहां तक अगर आपने पा लिया है कि मेरा सर इतने रैंक तक आ रहा है, तो आपको एनआईटी कॉलेज में बच्चों सीएससी मिलने जा रहा है। अगर आपको इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो फिर एनआईटी में अदर ब्रांचेज के चांसेस आपको बनते हैं, बट सीएससी के चांसेस भाई नहीं बनता है। तो प्रॉपर मैंने आपको ये चीज दिखा दिया, क्योंकि आपका लगातार मेरे पास कमेंट ये आ रहा था कि सर सीएससी ब्रांच कितने रैंक तक मिलेगा, सारे कैटेगरी वाइज आप थोड़ा सा डिफाइन कर दो, एंड देन कि आपके लिए बच्चों मैंने ये वीडियो ला दिया। तो हाँ बच्चों, अब आपका फर्ज क्या बनता है कि अगर आपने अपनी ये वीडियो आपने देखी और आपकी अगर रैंकिंग किसी भी तरीके से आपका ज्यादा है या कम है, और आपको कौन से इसमें कॉलेज मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी कोई भी परेशानी हो, प्लीज अपने परसेंटाइल के साथ अपना नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो लेके आए और आपकी परेशानी को जरूर दूर करें बच्चों। चलिए, मेरा नाम मृणाल कश्यप है और मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूँ एमसीएम इंस्टीट्यूट का। बच्चों आपके साथ हमेशा लगे रहते हैं, और हाँ बच्चों, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।